हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। दोस्तों, आज का हमारा सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि हम लोग दोस्तों विभिन्न चैप्टर से 7 क्वेश्चन लाए हैं जो आपके लिए यूजफुल होगा। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर पहले विजिट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। तो दोस्तों, 30 सेकंड का आपको टाइमर दिया जा रहा है, प्रयास करें इसको सॉल्व करने का। दोस्तों, एज रिलेटेड पहला प्रश्न हमारा है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आइए सब सॉल्व कीजिए और प्रयास कीजिए कि आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार रहा। 4 वर्ष पूर्व कमल व विमल की आयु का अनुपात 3:4 था, यानी जो हमारा प्रेजेंट एज है उससे 4 वर्ष पूर्व कमल व विमल की आयु का अनुपात 3:4 था और 6 वर्ष बाद यह अनुपात 14:17 हो जाता है। तो बताओ कमल की वर्तमान आयु क्या है, ये में निकालना है। तो दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और 30 सेकंड में तो जरूर ही जरूर बन जाएगा। तो दोस्तों, आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो 4 वर्ष पूर्व, तो दोस्तों पहले नाम लिख लेते हैं कमल, और क्या था दोस्तों, कमल और विमल, ठीक है, यहाँ नाम लिख लेते हैं। 4 वर्ष पूर्व, तो -4 हमेशा डिनोट कीजिए 4 वर्ष पूर्व से, और 0 से डिनोट करते हैं प्रेजेंट एज, ठीक है। तो 4 वर्ष पूर्व क्या था दोस्तों, 3:4 था, कमल व विमल का आयु 3:4 था। लेकिन अब क्या हो गया दोस्तों, 6 वर्ष बाद, यानी +6 वर्ष बाद क्या हो गया, तो आयु का अनुपात 14:17 हो गया। 14:17 कितना हो गया, 17 हो गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ का डिफरेंस देखना है, डिफरेंस समान या नहीं। तो हम लोग यहाँ डिफरेंस देख रहे हैं, 1 का डिफरेंस है और यहाँ देख रहे हैं 3 का डिफरेंस, तो आपको बैलेंस करना होगा। तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यानी 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा, यानी ऊपर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब जो नया जो रेशियो बन गया है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 9:12, ठीक है, और ये कितना हो गया, 14:17। ये समझ में आ गया, बैलेंस करना होगा। पहले डिफरेंस ले लीजिए एज का, 3:4 है तो 1 का डिफरेंस, यहाँ 3 का, तो आपको बैलेंस करना होगा, 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, कितना गया, 9:12 हो गया और 14:17 हो गया। अब आपको देखना है गैप, तो 9 से 14 कितना होगा दोस्तों, 5 यूनिट का गैप, कितना होगा, 5 यूनिट गैप पड़ा। तो जो यहाँ गैप आएगा दोस्तों, यहाँ भी वही गैप आएगा, यहाँ देखिए 5 यूनिट का गैप आ रहा है। तो लेकिन यहाँ तो 5 यूनिट का गैप आ रहा है एज में, लेकिन एज जो दिया है वास्तविक वो कितना है, -4 + 6। तो दोस्तों, हमेशा जो -4 है यहाँ +6 है, तो कितना का डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों, 10 का। आप बोलेंगे कैसे 10 का डिफरेंस हो गया, तो -4 से -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, और फिर यहाँ पे 6, तो कितना हो गया दोस्तों, 10 का डिफरेंस हुआ ना। तो हम लोग जोड़ देते हैं, माइनस रहे प्लस रहे तो डिफरेंस जुट जाएगा, तो कितना हो गया, 10 का, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 5 यूनिट बराबर है 10 ईयर का। तो 1 यूनिट बराबर होगा कितना ईयर का, तो 2 ईयर के बराबर, 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 2 ईयर के बराबर। हमें निकालना है किसका, तो हमें निकालना है कमल का वर्तमान आयु, तो कमल कितना है दोस्तों, कमल 9 यूनिट है, तो 9 × 2 = 18 हो जाएगा। और ये दोस्तों याद रखिए कि 4 साल पहले का 18 एज है, तो वर्तमान एज क्या होगा, 4 साल बाद, यानी 18 + 4 यानी 22 ईयर इसका वर्तमान एज होगा, कितना होगा दोस्तों, तो 22 साल इसका वर्तमान एज होगा, किसका, तो कमल का। एक बार समझ लेते हैं, सबसे पहले कमल विमल दिया था 3:4 4 वर्ष पूर्व, फिर 6 वर्ष बाद 14:17 हो जाता है, डिफरेंस पता करना है आपको, 14:17 3 हो गया, फिर 3:4 1 हो गया, आपको बैलेंस करना होगा, 1 3 का एलसीएम 3, तो 3 से मल्टीप्लाई ऊपर हो गया, तो 9 12 14 17, जो यहाँ डिफरेंस रहेगा एज में वही यहाँ भी डिफरेंस रहेगा। लेकिन हम क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, यहाँ तो 5 यूनिट का आ गया, लेकिन क्वेश्चन में कितना था, -4 और +6, यानी 10 यूनिट का डिफरेंस था। तो 5 यूनिट बराबर कितना होगा, 10 ईयर हो गया, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 2 ईयर होगा। तो
अब निकालना किसका, कमल का, कमल कितना है 9 यूनिट है, 9 गुने 2 कितना हो गया 18 ईयर हो गया, लेकिन ये हमारा 4 वर्ष पूर्व का आया है, हमें निकालना है प्रेजेंट है यानी 4 वर्ष बाद, तो 18 प्लस 4 यानी कितना हो गया 22 ईयर हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ। तो फ्रेंड्स ये था एज रिलेटेड प्रश्न, आपको समझ में आ गया होगा ऐसा हम समझते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं जो कि नंबर सिस्टम आधारित बहुत ही दोस्तों आसान क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेम टाइप का है, तो समझेंगे दोस्तों कि इस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना पाते हैं। तो क्या दिया हुआ है, वर्गमूल को नंबर दिया हुआ है आपको 18769 के वर्गमूल में कितने अंक निहित है, यानी आपको निकालना है दोस्तों कि 18700 कितना है दोस्तों 769 है, इसको वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल पता करना है कितना अंक का वर्गमूल होगा ये निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है और अंक पता करना है, ये अंक पता करना है आपको कितना अंक का ये वर्गमूल होगा। तो दोस्तों जब भी इस तरह का प्रश्न निकले दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, देखिए आपको पीछे से दो दो का पेड़ बनाना होगा, कितना का पेड़ बनाना होगा दोस्तों दो दो का पेड़ बनाना होगा, तो दो का पेड़ बनाए, दो का पेड़ बनाए और ये, तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 3 आएगा, यानी आपको 2 2 और 1 1 1 2 3 तीन पेड़ बना, यानी आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया, ये 3 अंकों का ये वर्गमूल होगा। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो RRB NTPC में पूछा जा चुका है आपका 15/2/2021 में शिफ्ट 1 में स्टेज 1 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये 2 था, क्या करना है आपको, दो दो का पेड़ बनाना है, तो दो का पेड़ बनाए 2 2 2 तो कितना होगा 1 2 3 यानी 3 अंक का ये वर्गमूल बनेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आएगा, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इस तरह का प्रश्न बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टाइप का है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टाइप का है, आप देख सकते हैं इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। तो नंबर हमारा है 12027024, अब इसका पता करना है दोस्तों कि आपको कितना अंक का वर्गमूल बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों कितना का वर्गमूल बनेगा। तो मैंने क्या बताया कि दो दो का पेड़ बनाइए लास्ट से 2 2 2 2 तो कितना बार आया दोस्तों 1 2 3 4 यानी कितना अंक का बनेगा वर्गमूल 4 अंक का बनेगा, यानी आपका कितना है आंसर 4 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी दोनों सेम टाइप का था, ठीक है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 था ये, क्वेश्चन नंबर 3 था, अब हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोनों समझ में आ गया क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3, तो आइए क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन 4 करने जा रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन 4 इस प्रकार है, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों सॉल्व करें इसको, प्रयास करें सॉल्व करने का, 30 सेकंड का आपको टाइमर दिया जा रहा है, ठीक है, सॉल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ आपका, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस तरह का प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्या बोल रहा है, x+1/x = 2 दिया हुआ है, हमें निकालना है x³+1/x³ का क्या हमारा वैल्यू होगा ये हमें निकालना है। ऑप्शन दिया गया है 2 4 5 6, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार देख सकते हैं, दिया हुआ है x+1/x = 2, हमें निकालना है x³+1/x³ का वैल्यू, ठीक है। दोस्तों हमेशा याद रखिए जब भी x+1/x = कुछ वैल्यू दिया रहे हमें निकालना होगा x³+1/x³, तो आपको क्या करना होगा, ये जो वैल्यू को a मान लेते हैं दोस्तों, तो आपको a³ इसका क्यूब करना होगा और -3a, ये हमेशा दोस्तों याद रखिए a³ -3a, ये फॉर्मूला है कब, जब x+1/x = a दिया रहे, तो x³+1/x³ कितना हो जाएगा a³ -3a, तो इस
तो सॉल्व करते हैं, तो ए कितना है, 2 है, यानी 2 क्यूब कितना होगा, 8 होगा, तो 2 क्यूब कर दीजिए। अब माइनस 3 है, 3 के पावर 3 इंटू 2, तो कितना हो गया 8 माइनस 6, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, कैसे, अगर x के वैल्यू हम 1 रखते हैं, 1, तो 1 प्लस 1 तो कितना होता है, 2 हो जाता है, सेटिस्फाई कर रहा है। x के वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो क्यूब 1 का क्यूब करते हैं प्लस 1 का क्यूब, तो कितना आता हमारा, 1 का क्यूब करेंगे प्लस 1 बाई 1 का क्यूब करेंगे, कितना आता, 2 आता। लेकिन दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 ही दिया रहे, कुछ और भी दे सकता है, 3 दे सकता है। तो आप क्या करेंगे, x प्लस 1 बाई x क्यूब 3 दिया रहे, तो x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब पता कीजिए। तो क्या कीजिएगा, फॉर्मूला ये होगा, ए क्यूब माइनस 3 है, यानी यहाँ प्लस में निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, माइनस 3 है, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, नोट डाउन कर सकते हैं आप। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया हो कैसे इसको सॉल्व करना है। ये जो फॉर्मूला है दोस्तों हमेशा दिमाग में रखिएगा, ए क्यूब माइनस 3 है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, सेम टाइप का है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में इस प्रकार है, ठीक है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, आपको 30 सेकंड का टाइमर दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ, तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, जैसा आप देख सकते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स इजकल टू 3 हो तो x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। पिछले वाला क्वेश्चन में क्या था दोस्तों, x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, और इस क्वेश्चन में क्या है, x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। तो निकालना है आपको, वैल्यू निकालना है, ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों। तो क्या करना है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार हमारा है, तो x प्लस 1 बाई एक्स इजकल टू कितना दिया गया आपको, 3 दिया गया है, ठीक है, हमें निकालना है x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स के पावर क्यूब, ठीक है दोस्तों, बराबर क्या होगा ये हमें निकालना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों दिख रहा होगा आपको, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, वहाँ आपको मैंने फॉर्मूला जो बताया था वो क्या बताया था, ए क्यूब माइनस 3 है, क्यों, क्योंकि वहाँ प्लस में था दोस्तों, प्लस में था, यहाँ माइनस में है, यहाँ क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस 3 है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया दोस्तों, ए क्यूब प्लस में 3 है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, किसका, जब आपको x प्लस 1 बाई एक्स इजकल टू ए दिया रहे, 3 के वैल्यू ए दिया रहे, तो x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब कितना होगा, तो ए क्यूब प्लस में 3 है, ए क्यूब प्लस में 3 है, यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, वहां प्लस था ना पिछले वाला क्वेश्चन में, x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब क्या कहे थे, माइनस करे थे। तो हमेशा ध्यान रखेगा दोस्तों, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ए क्यूब प्लस 3 है, तो कितना हो जाएगा हमारा, 27 हो गया, ए क्यूब करेंगे 3 का क्यूब हो जाएगा, और प्लस 3 गुने 3 यानी 27, और प्लस में 9 यानी 36 हमारा आंसर आया, कितना आ गया दोस्तों, 36 हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका आंसर कितना है दोस्तों, 36 है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया हो कैसे करना है। सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू अगर a है तो x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब कितना होगा, a क्यूब प्लस 3 है, तो a क्यूब कितना है, a क्यूब प्लस 3 है। और पिछले वाला क्वेश्चन में क्या था दोस्तों, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू a, तो हमें निकालना था x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, तो हम लोग क्या करते थे, a क्यूब माइनस 3 है, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, नोट डाउन कर सकते हैं आप। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 समझ में आ गया होगा आपको। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार, जैसे आप देख सकते हैं, जिसको सॉल्व करने का प्रयास करें, 30 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ, तो आइए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, कैसे इसको हल करना चाहिए ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन दिया गया 45, 44, 41, 42। तो इस तरह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो आपको क्या करना होगा, 3600 है तो यहाँ 3600 ले लीजिए। उसका दोस्तों ऐसा फैक्टर तोड़ना है जो प्राइम फैक्टर हो। तो 2 से करते हैं तो 2 से 3600 को 180 बार में हो गया, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे 90 बार में, फिर 2 से 45 बार में, फिर 3 से दोस्तों 15 आ गया, फिर 15 3 5 15 हो जाएगा ना, 2 से 180 हो गया, कितना हो गया 1800 हो गया ना, ये 900 हो जाएगा, ये 450 हो गया, 3 से 150 हो गया, फिर 3 से कितना होगा दोस्तों 50 हो जाएगा, फिर 2 से कितना होगा 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, ये हमारा फैक्टर टूट गया। कितना, 2 से 1800 हो गया, फिर 2 से 900 हो गया, फिर 2 से कितना हो गया 450 हो गया, फिर 3 से 150 हो गया, फिर 3 से कितना हो गया 50 बार में, फिर 2 से 25 बार में, फिर 5 से 25 बार में, 5 × 5। तो कितना फैक्टर, इसको फैक्टर लिखना रहेगा, कैसे लिखेंगे दोस्तों, 3600 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो 2 कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यानी 2 के पावर 4 गुना 3 कितना बार है, तो 3 1 बार 2 बार, यानी 3 2 बार है, और 5 कितना बार हो रहा है, 5 भी 2 बार है, यानी 2 4 बार है, 3 2 बार है और 5 भी 2 बार है। उसके बाद आपको ये फैक्टर अगर निकल गया दोस्तों तो कुछ नहीं करना है, पावर में क्या करना है आपको, अब ये जो नंबर है इसका कोई काम नहीं है। पहला जो आपको काम था वो क्या करना था, प्राइम फैक्टर में तोड़ना। किसमें तोड़ना दोस्तों, तो प्राइम फैक्टर में तोड़ना, प्राइम फैक्टर में आपको तोड़ना था पहला काम। तो 4 2 2 तोड़ दिए, 2 3 5, 2 के पावर 4, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, 4 है तो आपको सबको पावर में एक जोड़ते हुए मल्टीप्लाई करना है, 4 × 5 हो गया, फिर कितना होगा 2 हो गया, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 2 + 1 कितना होगा दोस्तों 3 हो गया, कितना हो गया दोस्तों 3 हो गया, यानी अब सॉल्व करेंगे तो 5 × 9 यानी कितना हो गया दोस्तों 45, ये आपका आंसर हो गया फ्रेंड्स, कितना हो गया आंसर दोस्तों 45 आपका आंसर हो गया। फिर से समझिए दोस्तों, 3600 था, 3600 का कुल गुणनखंड निकालना है आपको, 3600 को तोड़ना है फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। प्राइम फैक्टर क्या होता है, वैसा नंबर जो 1 और अपने आप से डिविजुअल है, तो 2 3 5 1 से भी डिविजुअल है और अपने आप से डिविजुअल है, और किसी नंबर से डिविजुअल नहीं है, कट नहीं सकता है, तो 2 3 5 हो गया, ठीक है। तो 2 कितना बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 3 कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है और 5 2 बार आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, पावर को लेना है और सब में एक जोड़ते हुए मल्टीप्लाई करना है। पावर 4 है, 4 + 1 5 हो गया, फिर पावर 2 है, 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया, फिर पावर 2 है, 2 + 1 3 हो गया, यानी 5 × 3 × 3 यानी 5 × 9 कितना हो गया 45 हो गया, यानी आपका टोटल गुणनखंड यानी टोटल कितना है, 3600 कुल गुणनखंड कितना हो गया दोस्तों 45 हो गया, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आ गया और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था और बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस तरह का प्रश्न काफ़ी ईजी होता है, लेकिन हम लोग जानते नहीं कैसे बनाया जाता है तो हमसे बन नहीं पाता है, ठीक है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, और दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा टाइम एंड डिस्टेंस के रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है, देख सकते हैं आप, ये हमारा ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है दोस्तों, ठीक है, रेलगाड़ी संबंधित सवाल है। प्रयास कर रहे हैं दोस्तों सॉल्व करने का, 30 सेकंड का आपको टाइमर दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ, तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक रेलगाड़ी है जो बिना रुके 70 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से और रुकने के बाद 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, यानी बिना रुके हुए दोस्तों ये 70
70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और रुकती है तो उसका गति कितना होता है, 56 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, किलोमीटर रफ्तार से हो जाता है। तो रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है ये हमें निकालना है। ऑप्शन दिया गया है 14 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट, 16 मिनट। ये SSC CGL टायर 1 में पूछा जा चुका है। जब भी इस तरह का प्रश्न दिखे दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो करेंगे कैसे दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका ओरिजिनल जो स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड कितना है, यानी जो बिना रुके हुए वो कितना है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है दोस्तों, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। और रुके हुए स्पीड कितना है, यानी रुक रुक के चल रहे हैं, स्पीड कितना हो जाता है, तो स्पीड हो जाता है 56 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। दोनों स्पीड का अंतर ले लीजिए, दोनों स्पीड का अगर डिफरेंस लेंगे तो 70 और 56 का डिफरेंस कितना, 14 का होता है, तो यहाँ 14 लिख लीजिए, तो 14 का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। अब आपको पता करना है कितना मिनट रुकता है, तो 14 का हमारा डिफरेंस हो रहा है दोस्तों, ठीक है। अब बटा में हमेशा क्या करना है, ओरिजिनल करना है। ओरिजिनल कितना वैल्यू है, तो 70 है, यानी ये हमारा डिफरेंस बटा जो हमारा जो ट्रिक होता है वो क्या हो गया दोस्तों, जो ट्रिक है वो क्या हो गया, आपको डिफरेंस यानी दोनों स्पीड का आपको डिफरेंस लेना है। स्पीड का क्या लेना है दोस्तों, डिफरेंस लेना है, अब बटा में ओरिजिनल स्पीड करना है। क्या करना है दोस्तों, ओरिजिनल स्पीड, ठीक है, और गुना में क्या करना है, 60। बस यही आपका ट्रिक है। तो 14/70 कर रहे हैं, और गुना में कितना कर दें, 60। तो 14/70 कितना हो जाएगा हमारा, 1/5 हो गया, और 1/5 गुना 60 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 मिनट। यानी 12 मिनट रुकते हैं हर घंटा, कितना मिनट रुकते हैं दोस्तों, तो 12 मिनट हर घंटा रुकते हैं। एक और समझ लेते हैं, क्या करना है आपको, ओरिजिनल स्पीड 70 है बिना रुके हुए, और रुक रुक के चल रहे हैं तो 54 होगा, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 14 होगा। और आपको जो मैंने ट्रिक बताया वो क्या था, स्पीड का डिफरेंस लेना है बटा में ओरिजिनल स्पीड करना है। तो 14/70 और गुना में 60, यानी कितना हो गया, 14/70 यानी 1/5 हो गया, ठीक है। करना क्या रहता है दोस्तों, देखिए 1/5 है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, इसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो 1 घंटा का आएगा, और गुना में 12, यानी 1 घंटा में दोस्तों 12 मिनट रुक रहे हैं, यही कहने का अर्थ है। कितना मिनट रुक रहे हैं, 1 घंटा में 12 मिनट, तो 12 मिनट आपका आंसर हो गया। तो क्या करना था दोस्तों, डिफरेंस पता कर, डिफरेंस लेना था स्पीड का, अब बटा में ओरिजिनल स्पीड, डिफरेंस कितना हो गया, 14 था बटा ओरिजिनल स्पीड 70 था, और गुना में 60 कर दिए, तो कितना आया हमारा, 12 मिनट हर घंटा में रुकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट आंसर है। ये थे प्रश्न दोस्तों, कुछ प्रश्न जो विभिन्न चैप्टर से हमने लिया था। उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी प्रश्न किए हैं आज वो समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल मैथ्स कोच को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी बेल आइकन प्रेस कीजिएगा तब आप जो भी हम लोग नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।